नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल चुगली में। आज की एक कहानी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, जिसका टॉपिक है दीवार के कान ने बचाई दो जान। जी हाँ, दीवार के कान ने बचाई दो जान। आप जानते ही होंगे कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये एक मुहावरा है, परंतु असल ज़िंदगी में शायद ये बहुत बार इम्प्लीमेंट हो जाता है, बहुत बार हमारे यूज़ में आ जाता है, और इसी के ऊपर ये कहानी आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में दो लोग हैं, एक सेठ है और दूसरा एक गरीब व्यक्ति है। एक सेठ है जिसका नाम था मुरलीधर। वह अपनी ज़मीन पर घर बनाना शुरू करता है। उसके साथ में ही एक प्रकाश जी होते हैं जिनका प्लॉट होता है। उनके पिताजी ने कभी सस्ते टाइम में वह प्लॉट खरीद कर रख लिया था, परंतु ना तो उनके पिताजी और ना ही प्रकाश जी दोनों उस प्लॉट के ऊपर कभी घर नहीं बना पाए। उन्होंने साथ में ही मकान बनते देखा तो उनके अंदर भी हिम्मत आई कि इनकी दीवार का यूज़ कर हम भी दो कमरे और लैटरिन बाथरूम रसोई डाल लेंगे, तो हमारी तीन दीवारों का खर्चा होगा, चौथी दीवार का खर्चा हमारा बच जाएगा। तो क्यों ना हम मुरलीधर सेठ से बात करके और उनसे बात करके हम भी अपने दीवार का काम, घर का काम शुरू करा दें। अब मुरलीधर सेठ सेठ तो थे, परंतु धनवान के साथ साथ वो बहुत दिलदार व्यक्ति थे। उन्होंने जब यह बात सुनी तो उन्होंने तुरंत प्रकाश जी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी अपने घर का काम शुरू कीजिए, और संकोचाइएगा मत, अगर खर्चा आपका कुछ बढ़ भी जाए तो मैं बैठा हूँ, आप मुझसे कहिएगा, मैं आपकी पूर्णतः मदद करूँगा। अब उनकी यह बात सुनकर प्रकाश जी में एक अत्यंत नई ऊर्जा सी प्रकट हो गई। उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर उस पर खर्च कर दिया। मकान को बनाते वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका खर्चा उनकी जेब से आउट हो रहा है। उन्होंने ब्याज ले लिया, ब्याज पे पैसा लेकर वो भी मकान बनाने में लगा दिया, परंतु तब भी मकान पूरा ना हो सका। अब नौबत ऐसी आ गई कि ब्याज इतना बढ़ गया कि वह बहुत तंग रहने लगे। मुरलीधर सेठ के पास वह जा नहीं पाए, क्योंकि वह बहुत ही बड़े आदमी थे। उस समय तो उन्होंने कह दिया, परंतु बाद में शायद वो उनकी मदद करें या ना करें। वह उनके घर की तरफ से भी नहीं निकलते थे, बच के दूसरी ओर से निकल जाया करते थे। एक दिन मुरलीधर सेठ अपने घर में एकांत में बैठे थे तो उन्हें कुछ पड़ोस से रोने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो नहीं घट गई, तो वे फट से अपनी छत पर गए और छत से पड़ोस के घर में झांकने लगे। पड़ोस का घर प्रकाश जी का था और मुरलीधर सेठ की छत से प्रकाश जी का पूरा घर और आंगन साफ दिखाई देता था। तो उन्होंने देखा छत पर दो व्यक्ति बैठे हैं, वह व्यक्ति और कोई नहीं, प्रकाश जी और प्रकाश जी की बीवी थी। वह दोनों मन स्वर में बात कर रहे थे कि अब क्या करें, ब्याज का पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम उसे चुका नहीं पाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों आत्महत्या कर लें। अब यह बात सुनकर मुरलीधर सेठ सन्न रह गया, उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उन्होंने उनकी बात पूरी तरह सुनने के लिए दीवार को कान लगाए। दीवार को कान लगाकर उनको बात सुनाई दी कि उन्होंने यह प्लान बनाया कि बेटे को वह अपने माँ के घर भेज देंगे, मामा के घर, वो वहाँ पर जाके रह लेगा और पीछे से ये दोनों आत्महत्या कर लेंगे। अब मुरलीधर सेठ रात भर चैन से सो नहीं पाए। वह सोचते रहे कि कैसे मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि सामने से पैसे दूंगा तो यह लेंगे नहीं, और ऐसा कोई मदद करने का तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे इनकी मदद भी हो जाए और ऐसा भी ना लगे कि एक ब्याज को चुकाने के लिए उन्होंने दूसरे ब्याज पर पैसा ले लिया। तो मुरलीधर सेठ अगले दिन सुबह होते ही उनके घर धमक गए। उन्होंने कुछ सोच लगाई थी। उन्होंने उनको बोला कि प्रकाश जी, क्या आप अपना मकान मुझे बेचेंगे? अब ये चीज़ तो प्रकाश जी ने सोची ही नहीं थी कि वह मकान बेचेंगे, परंतु मुरलीधर सेठ ने तरकीब लगाई थी। उन्होंने बोला, प्रकाश जी,
मैं अपने दूसरे बेटे के लिए, मेरे दो बेटे हैं, मैं अपने दूसरे बेटे के लिए इस मकान को खरीदना चाहता हूँ। एक मकान मैं बना चुका हूँ, दूसरा मकान मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पर बना दूंगा। अभी उसे आने में, वह बाहर पढ़ने के लिए गया है, अभी उसे आने में 3 साल लगेंगे। तो 3 साल तक आप यह मकान किसी को नहीं बेचेंगे। इसके एवज में मैं आपको 2 लाख रुपये दे रहा हूँ। और यदि 3 साल में आपका मन बदल जाए और आपका यह मकान ना बेचने का मन हो, तो यह 2 लाख रुपये आप मुझे वापस कर देना। परंतु तब तक 3 साल के लिए आप ये मकान किसी को नहीं बेच सकते। प्रकाश जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिना ब्याज के उनके पास 2 लाख रुपये आ रहे थे, और वही ब्याज और कर्ज की रकम थी जो वह किसी को देकर अपना मकान बचा सकते थे। तो प्रकाश जी ने संकुचित ना होकर पैसों के लिए हाँ कर दी। तो दोस्तों, इस तरह मुरलीधर सेठ ने उनकी मदद भी कर दी और उनको पता भी नहीं चला। मुरलीधर सेठ का दूसरा बेटा था ही नहीं, ये उनकी तरकीब थी जो उन्होंने सोची और तिकड़म लगाकर उनकी जान बचा ली। तो इस कहानी का टाइटल अब सिद्ध होता है कि दीवार के कान से बची दो लोगों की जान। तो दोस्तों, आप भी दीवार के कान लगाया कीजिए। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई दुख में हो, किसी परेशानी में हो, और आप उनकी बात सुनकर, कोई तिकड़म लगाकर आप भी उनकी मदद कर सकते हो। मदद करना इस दुनिया का पहला धर्म है जो भगवान ने हमें सिखाया है। एक माँ भी अपने बच्चे की मदद करती है, एक माँ बाप भी अपने बच्चे की मदद करते हैं, तो आप क्यों नहीं? हो सकता है आपकी मदद करने से किसी की जान बच सके, तो अपनी मदद का हाथ हमेशा बढ़ाए रखें। कोई परेशान हो तो उस और आप समर्थ हों, कोई परेशान हो और आप समर्थ हों तो मदद ज़रूर कीजिएगा। सो कहानी कैसी लगी ये आप लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।